नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी से, जहां राजधानी रायपुर में एक ही दिन में तीन अलग अलग क्षेत्रों से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पहला मामला राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ राजकुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वही मृतक का नाम राजकुमार अग्रवाल बताया जा रहा है। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर मामले की जाँच में जुट गई है। दूसरी बड़ी घटना भाटागांव अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की है, जहां एक बस चालक की लाश बस के अंदर फंदे पर लटकी हुई मिली, जिससे आसपास में खौफ का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि भाटागांव बस स्टैंड के पास नरेश ट्रेवल की बस में चालक की लाश मिली है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक चालक MP रीवा का रहने वाला है। वहीं परिजनों का आरोप है कि हत्या कर लाश लटकाई गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तीसरी बड़ी घटना मंदिर हसौद क्षेत्र की है, जहां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका दामिनी साहू 22 वर्ष निवासी चंदखुरी बस्ती गांधी चौक में अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि युवती की शादी का एक सप्ताह पहले ही तय हुई थी, तब से वह परेशान थी। गुरुवार की रात उसने यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था, परिजनों ने देखा और उसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और दरवाजा खोलकर देखा तो वह फंदे पर लटकी हुई थी। युवती के कमरे में किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। जनता कॉलोनी राजेंद्र नगर में एक मकान में राजकुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति की लाश मिली, जो फांसी लगाए पाए गए। मृत पंजीवत कर जाँच में लिया गया। मृतक आर्सन मोटर में काम करता था। अभी पंचनामा कार्रवाई जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर पाएगा फांसी लगी है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।